तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक कूलर को मॉडिफिकेशन करके हम लोग बनाने वाले हैं विदाउट मॉइस्चर यानी विदाउट ह्यूमिडिटी। यानी कि यदि आप इस कूलर को रूम के अंदर यदि चलाते हैं तो कोई उमस नहीं बनेगा और पानी का कंजप्शन भी बहुत कम होगा। हमारे पास एक फोम है, इस फोम को यूज करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो फैन का पार्ट है यहाँ से तो इस फोम के द्वारा यहाँ से पूरा इसको ढक देना है। इसके बाद इधर हम एक अलग सा पार्ट बना लेंगे यहाँ से ढक करके। तो चलिए हम इस फोम को इसमें लगाते हैं। इसके जहाँ जहाँ पे ये मोटर है तो इसको बीच में काट करके और फिर यहाँ से ब्लॉक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं इस साइड एक अलग सा चैम्बर बन रहा है। और फिर इस साइड से और फिर इस साइड से भी थर्मोकोल से बंद करेंगे और फिर नीचे में भी यहाँ पे एक बॉक्स की तरह बना करके और लॉक करेंगे। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं इसका केबिन अलग हो चुका है और इसका केबिन अलग हो चुका है। तो गाइज इस प्रकार से हम अल्मोनियम का एक पाइप लेंगे जो कि एक खोखला होता है, तो इसको इसमें हम छेद करके और फिर इतने पर से कट कर लेंगे। इस प्रकार से हम होल कर लेंगे, इसमें प्रकार से सारे होल में इसको सेट कर देना है। तो आपको तो चलिए हम प्रत्येक को इतना छोटा छोटा कट करके और फिर इन सारे होल में लगा लेते हैं। इस प्रकार से छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। तो आपको इसको फंडा समझा दें कि यहाँ से इस प्रकार से इसमें तो कहीं एयर जाएगा नहीं, तो इस होल के माध्यम से इस पाइप के होते हुए हवा इसमें बाहर जाएगा और फिर इस पाइप पे जो ऊपर से पानी गिरेगा इस सारे पाइप पर गिरेगा, जिससे कि ये पाइप ठंडा होगा और फिर जो इससे हवा होकर के आगे गुजरेगी तो वो एकदम कूल कूल होगा। तो गाइज ये मेरा सिस्टम बन के तैयार हो चुका है। चाहे तो आप और भी यहाँ इसमें इस प्रकार से पाइप लगा सकते हैं इस साइड। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसके ऊपर पानी गिरेगा और फिर इस पाइप के होते हुए हवा जाएगा अंदर। तो गाइज ये मेरा कूलर बन करके तैयार हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें पाइप के द्वारा सीधा वाष्प पानी के वाष्प से कंटेक्ट नहीं होने वाला है इस कूलर को, तो इस पाइप के माध्यम से हवा अंदर जाएगा और फिर कूलिंग होगा। तो गाइस इस प्रकार से आप और भी इसमें पाइप लगा सकते हैं, इससे मोटा साइज में भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें पानी भर करके और फिर इस कूलर को चालू करके देखते हैं किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। तो गाइस आप इसमें देख सकते हैं पानी भर चुका है, पानी वाले पाइप को ऊपर करते हैं सबसे पहले, तो इसके बाद इसको हम लगाते हैं। तो गाइस अब हम कूलर को ऑन करते हैं, गाइस फैन को हम ऑन करते हैं। वाओ, तो अब हम हवा बहुत कूल कूल आ रहा है गाइस। गाइस इस प्रकार से पानी आएगा ऊपर में और फिर जहाँ जहाँ पाइप है वहाँ पे मैंने छेद कर दिए हैं यहाँ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं इस पाइप पर पानी गिर करके और कूलिंग होता जा रहा है, फिर आगे जो फैन है आगे में बहुत ही ठंडा हवा निकाल रहा है। तो जितना ज़्यादा पाइप इसमें लगेगा तो उतना ही ज़्यादा कूलिंग करेगा ये कूलर। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं।
यानी कि दोनों साइड में मेरे पाइप के ऊपर में पानी गिर रहा है। सिस्टम बहुत ही अच्छा है और पानी का भी यूज बहुत कम होगा इसमें, पानी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। बहुत ही कूल कूल हवा आ रहा है गाइस, बहुत ठंडा एकदम दे रहा है और इस हवा से आपके रूम में थोड़ा भी उमस भी नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार से आप भी अपना कूलर के जुगाड़ कर सकते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।